मतलब कैसा लगे अगर मतलब एक ही बॉलर पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों जीत जाए मतलब नारायण उस कंटेंशन में है इजीली है वो जीत सकते हैं क्योंकि केकेआर क्वालीफाई करेगा जो टॉप में पर्पल कैप में है वो बुमराह है जो मुंबई ऑलमोस्ट एलिमिनेटर में जा चुकी है कल सर क्या हो गया मतलब एलएसजी लगातार तीसरा मैच अपने घर में हार गई और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से हार गई मैंने क्या बोला था जब हमारी बात हुई थी कि एलएसजी को आइडली के के अगेंस कैसे विकेट देनी चाहिए स्पिनिंग विकेट देनी चाहिए फसी विकेट देनी चाहिए और कल कैसी विकेट बैल्टर दे दिया पूरा और आप सोचिए उसके बाद केकेआर और अगर एसआरएच को आप पहले बैटिंग बेल्टर पे करने दे रहे हैं तो ऐसे रन वो मारेंगी बिल्कुल जबकि मैंने कहा था कि बिकॉज अगर आप कहीं रिस्क ले सकते हो बेल्टर पे

आईपीएल की अच्छी परफॉर्मेंस है सेट में ना हो पर अगर आईपीएल जैसे आप रिलेटिवली लेवल uh, uh, पे भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बॉलर्स को मारना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा और क्लियरली दिख रहा है कि वो थोड़े से फसे फसे, फसे खेल रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर मोड ऑफ डिस्मिसल हो रहे हैं मतलब यही सेम डिसमिसल हमने आरसीबी के अगेंस्ट भी देखा जो कल देखा थोड़ी खिंची हुई लेंथ पीछे मार रहे हैं और शॉर्ट फाइन लेग पे कैच हो रहे हैं

इस आईपीएल में उन्होंने जो करके दिखाया ना वो अनबिलीवेबल है मतलब मैं सपने में नहीं सोच सकता था कि एक प्लेयर जो नंबर नाइन पे बैटिंग कर रहा है अपनी कैप्टनसी में भी कितने लीग में जहां वो खुद कैप्टन है वहां भी वो नंबर नाइन पे बैटिंग कर रहे हैं बिल्कुल तो अगर ऐसा प्लेयर इतने सालों बाद इस तरह से री इन्वेंट करे अपने आप को और ठीक एक मैच और दो मैच, और दो मैच और समझ आता है हर मैच में आप मतलब 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से बड़े बड़े स्कोर्स कर रहे हैं

वेरी टैलेंटेड तो। अच्छे प्लेयर हैं। बट में डायरेक्ट उतारना। क्या ये मूव चलेगा? आई थिंक बहुत टीम सफर करेंगी। भी उतना ही मिस करेगी। तो आ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इवन की हो जाएंगी एसआरएच को एडवांटेज है, क्योंकि कोई भी से नहीं है। जी। तो हैव एन एडवांटेज सीएसके भी मोइन अली हैं बट मोइन अली का चलो इतना रोल अभी तक नहीं रहा है आईपीएल में सीएसके का एक और न्यूज आ रहा है कि वो की जगह जॉर्ज हेजलवुड को एज अ रिप्लेसमेंट ला रहे हैं अभी कंफर्म नहीं है लेकिन अगर आ जाए तो सीएसके की बॉलिंग में काफी हद तक बूस्ट मिलेगा जॉर्ज हेजलवुड अब जो विकेट्स बन जाएंगी जी स्लो लो विकेट्स के लिए बहुत अच्छे बॉलर है तो वो एक बड़ा अच्छा एडिशन होगा बिकॉज पथी राना भी होकर वापस आ चुके हैं जी अब हैमस्ट्रिंग के लिए वो वापस श्रीलंका जा चुके हैं तो वापस आते नहीं आते आप भी क्वेश्चन हैमस्ट्रिंग तो इंजरी को कभी नहीं कर सकते कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए हैमस्ट्रिंग तो इंजरी ठीक होने को दो हफ्ते में भी हो जाती है ना होने को क्योंकि छह छह महीने से भी ज्यादा ले जाती है और फास्ट बॉलर एक खिंची हुई के साथ बॉल कर ही नहीं सकता रिस्की ऑल्सो सर्टन टाइम्स सर्जरी की भी रिक्वायरमेंट आ जाती है

करना पड़ेगा, जी। खल अगर कोई डिसअपॉइंटिंग था तो वो थे के राहुल बिल्कुल अगर आप इस तरह से पावर प्लेन निकाल रहे हैं दो के चेज में फिर आपकी टीम का कुछ नहीं हो सकता जी आप एक टाइम पे 19 बॉल 21 पे हैं उसके बाद आप 21 बॉल 25 पे आउट हो जाते हैं

कृणाल पांड्या का भी थोड़ा ऐसा ही हो रहा है कि एक दो अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद वो भी नहीं दिख रहे हैं तो जो आपका मिडिल ओवर और लोअर मिडिल ऑर्डर है वो तो बिल्कुल गायब दिख रहा है जी। और वो वंस इन ब्लू मून वाली कहानी है वो सदियों में एक बार वाली इनिंग्स होती है वही वैसे आपकी हर बार नया प्लेयर चाहिए जो मैच तो ऐसे केस में जो आपको पता है की आपकी बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ नहीं है आपकी बॉलिंग कहीं ना कहीं थोड़ा आपका स्ट्रॉगर है तो वहां आपने एक टिपिकल इकाना विकेट क्यों नहीं दी बिल्कुल मतलब आपको पता है कि के के आर के स्पिनर्स को अगर आप काउंटर कर लेते हैं, तो थोड़ी उनकी बॉलिंग में अभी भी गैप्स हैं जो काफी बार हो चुका है तो वहां आपने ये रिस्क क्यों नहीं लिया बिल्कुल मतलब आप हारे तो अभी भी हैं और बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं इतने बड़े मार्जिन से हारे हैं कि आपके रेट तो बिल्कुल इक्वेशन से बाहर हो गई है तो अब आपका बहुत मुश्किल हो गया टॉप फोर अनु बिकॉज रन रेट वाला फैक्टर तो आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया तो अब हारे नहीं आप डेसिमेट हुए हैं ऑलमोस्ट सौरन से हारे हैं जी तो अगर सौरन से एक बैटिंग विकेट पे हार रहे हैं तो वहां पे एक फसी हुई विकेट देना ज्यादा बेटर था ना बिल्कुल तो अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है उस तरह की प्ले के लिए तो आई थिंक यू शुड प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स जी और मैंने तभी बात की थी और पिछले वीडियो पे एक कमेंट भी आया है कि एस ने फिर बेल्टर दे दिया बिल्कुल और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों और, और आपने किन के किनके बेल्टर, के बेल्टर दे दिया ये होता ना की आप दोनों अपने प्राइम बॉलर्स को सामने लाओ उनको फसाओ स्विंग करवाओ लाइन लेंथ अच्छी डालो आपने स्टोनियस को पहला ओवर दिया पहली बॉल पेनस ने चौका खा लिया तीसरी बॉल पे सोनस ने चौका खा लिया तो गैप तो वही क्रिएट हो गया आपका मोहसिन खान तो मुझे लगता है कि

कोई और नया बॉलर है आ, रसिक सलाम जो है उन्होंने भी काफी अच्छी बॉलिंग की है तो ये जो नए बॉलर्स हैं जिनको अभी तक हमने इतना देखा नहीं है बैट्समैन उनके खिलाफ ज्यादा फंस रहे हैं एज कम्पेयर टू पुराने बॉलर से क्योंकि तो मुझे लग रहा है जो नए बॉलर्स हैं ना वो बेसिक्स थोड़े सही कर रहे हैं बिकॉज रसिक सलाम ने यॉर्कर्स पे काफी काम किया बैक ऑफ द दोअर बॉल्स भी आई तो उनकी यॉर्कर्स भी बड़ी लैंड की जी और यॉर्कर मैंने पिछले में भी बात की थी कि आप क्रिकेट से बाहर नहीं कर सकते हैं वो बहुत बड़ा वेपन है लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और यॉर्कर पे पे काम करना जरूरी है बिकॉज अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में परफेक्ट यॉर्कर रन मारने वाले बहुत बैट्समैन नहीं है कथी राणा ने इस, इस पी एल में करके दिखाया है बुमराह ने करके दिखाया है नटराजन ने करके दिखाया है आपको संदीप शर्मा ने भी डेथ ओवर्स में यॉर्कर करके दिखाई है और इवन आ, रसिक सलम ने भी करके दिखाया है जिन्होंने अच्छी की है, उनको रन नहीं पड़े इवन भुवनेश्वर कुमार ने जो मैच जीता उसमें करके दिखाया बिल्कुल तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है इस इसी का रखें वो और सर सिक्स बॉलर जो होता है जिसको आप टारगेट करने की सोच रहे होते हो कि इसको रन मारेंगे वहां आप विकेट्स गवा रहे हो मतलब दो मैच में चार विकेट्स आपने दे दी तो उनका एक बड़ा अच्छा Uh, मैचअप भी, मैच भी, भी था कि ऑलमोस्ट बॉल्स बॉल्स या 30 में उनको चार बार आउट कर धीरे तो के के तो जैसे टूर्नामेंट प्रोसीड हो रहा है अब समझ आ रहा है क्योंकि बॉलिंग यूनिट भी अपने आप को मैक्सिमाइज कर रही है बिल्कुल तो अब आज की डेट में आरआर आर और के आर बहुत जी और दिख रहे हैं के। जी। और थोड़ा सा के भी और, तो और नितेश राणा को तो नहीं लेके आ पा रहे हैं जी और दिख भी नहीं था उनकी जगह कहाँ पे इस थी बिल्कुल बॉलर में शोह शर्मा को नहीं देख रहे में एक दो मैचेस में आए हैं वो अब जबकि मिस्ट्रीज मैन उनकी बहुत बातचीत हो रही थी जी